श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की सही राह दिखाता है और हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को जागृत करता है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म क्या है, कर्म का सही मार्ग कौन सा है और प्रेम का सच्चा अर्थ क्या है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करने वाली ज्ञान की अमूल्य धरोहर है। गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने में सहायक है, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा में भी मार्गदर्शन करता है। जो व्यक्ति गीता के मार्ग पर चलता है, वह जीवन में हर प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकता है और परम शांति को प्राप्त कर सकता है। हम जानते हैं कि भगवद गीता का संपूर्ण अध्ययन कई लोगों के लिए एक चुनौती हो सकता है, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि आज के इस विशेष वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के सभी महत्वपूर्ण संदेशों को एक सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। इस वीडियो को देखकर आप गीता के गहरे और सूक्ष्म अर्थों को आसानी से समझ सकेंगे और इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकेंगे। ये विचार न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा और उद्देश्य देंगे। आप इन उपदेशों को हर दिन, चाहे सुबह की ताजगी में या रात की शांति में सुन सकते हैं और अपने जीवन को परमात्मा के समीप ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन अनमोल उपदेशों को सुनकर आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाएंगे, बल्कि इस कलयुग में भी अपना आत्मिक कल्याण कर सकेंगे। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी के आइकन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वे कहते हैं, यो यद्वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को अपने कर्मों के लिए पूरी स्वतंत्रता प्रदान की है। मनुष्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने विवेक के अनुसार अच्छे या बुरे कर्म कर सकता है। जैसे जैसे मनुष्य अपने कर्मों का चयन करता है, वैसे वैसे उसका जीवन आकार लेता है। हालांकि कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है, लेकिन उन कर्मों का परिणाम परमात्मा के अधीन है। किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। हर व्यक्ति के कर्मों की पूरी जानकारी परमात्मा को होती है और उनके सामने किसी प्रकार की सिफारिश या अनुचित प्रभाव काम नहीं करता। इस कलयुग में लोग रिश्वत देकर अपने काम निकाल लेते हैं, लेकिन परमात्मा के न्याय के आगे कोई भी रिश्वत नहीं चलती। इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति न तो बच पाया है और न ही भविष्य में बचेगा। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति सदैव निडर रहता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा किसी न किसी भय में जीता है। उसे हर वक्त इस बात की चिंता सताती है कि उसके बुरे कर्म उजागर न हो जाएं। जब भी बुरे कर्म सामने आते हैं, व्यक्ति को उनके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ईश्वर ने सभी जीवों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कर्म कर सकते हैं।
इस स्वतंत्रता के कारण ही जीवन में नयापन और उत्साह बना रहता है। अगर कर्म करने की आजादी न होती तो जीवन अपनी असली पहचान खो देता। इसी स्वतंत्रता के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य या मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि हर कोई अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है और उसे भोगता है। इसी कारण दुनिया में इतने विविध विचारधाराओं के लोग हैं। भगवान गीता में कहते हैं, सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, जिनमें से अधिकतर उसे जगत में बांधे रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से प्रेरित होते हैं। वहीं कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल व्यक्ति के चित्त में जमा नहीं होता, क्योंकि वे बिना किसी आसक्ति के किए जाते हैं। भगवान बताते हैं कि कर्म को इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसके फल के प्रति कोई आसक्ति न रहे। इसके लिए वे कहते हैं, तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है और कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस तरह के कर्म शुद्ध होते हैं और वे व्यक्ति को बंधन में नहीं डालते, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाते हैं। जब भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों और उनके फलों को मुझे अर्पण कर दो, तो उनका उद्देश्य हमारे कर्मों या उनकी स्वतंत्रता को बाधित करना नहीं है, बल्कि हमें यह सिखाना है कि सही ढंग से कर्म कैसे किए जाएं। इस विधि से हम कर्म तो करेंगे, लेकिन वे कर्म हमें किसी भी प्रकार से दुख या चिंता में नहीं डालेंगे। हमारे शास्त्रों में यह सिखाया गया है कि व्यक्ति जैसा व्यवहार समाज के प्रति करता है, वैसा ही व्यवहार उसे समाज से प्राप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को नष्ट करने का प्रयास करता है, उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे दुष्टों का संहार करना ही उचित है। महर्षि व्यास का कहना है कि मनुष्य को दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार वह स्वयं से अपेक्षा करता है। यही सच्चा धर्म है। अगर कोई ठगी से पेश आता है तो उसके साथ भी ठगी का ही व्यवहार किया जाना चाहिए, जबकि अच्छे इंसान के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों और वेदों में इस प्रकार के उचित और न्याय संगत व्यवहार को स्वीकार किया गया है और दुष्टों की निंदा की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा वर्तमान भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है। उसी प्रकार हम आज जो कर्म कर रहे हैं वे हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें, ताकि भविष्य में हमें अच्छा फल प्राप्त हो। श्री कृष्ण गीता में यह भी कहते हैं, उन लोगों के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करो जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। कर्ण को अपने अंत का ज्ञान था, फिर भी उसने मित्रता निभाई। वे आगे कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांच गुण मन को अनुशासित करते हैं। इन गुणों को अपनाने से ही व्यक्ति सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में यह भी कहा गया है कि किसी का भाग्य तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसे सही दिशा में प्रेरित करके उसका मार्गदर्शन अवश्य किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में जब भी मौका मिले तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। अहंकार ही वह तत्व है जो मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाता है और अंततः उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अहंकार का त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म उसी फसल के समान है जिसे व्यक्ति को स्वयं ही काटना पड़ता है। इसलिए अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। गीता में यह भी कहा गया है, कर्म के लाभ हानि में उलझने से कर्म की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे लक्ष्य दूर हो जाता है। इसलिए कर्म निरंतर और बिना रुके चलते रहना चाहिए। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया था कि चिंता किए बिना युद्ध करते रहो। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह समय और परिस्थिति पर निर्भर है। यही संदेश हमारे जीवन में भी पूरी तरह से लागू होता है।
अगर हम किसी कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर उसे करना ही छोड़ दें तो अंततः हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। कोई भी प्राणी या वस्तु इस संसार में स्थायी नहीं है, और यह सब जानते हुए भी हमें कर्म करते रहना चाहिए ताकि संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, लेकिन अगर वे यह सोचते कि हमें जन्म देने के बाद क्या हम उनके सहारा बनेंगे या नहीं, तो शायद वे हमें इस दुनिया में लाने का विचार ही त्याग देते। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और उसके फल को ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया, इसलिए हम इस धरती पर हैं, और अगर ईश्वर की कृपा होगी तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धांत सत्य है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमें किसी भी योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। भोग योनियों में चाहे जितनी भी तकलीफें हों, आत्महत्या करने का भी अधिकार नहीं होता। एक बैल चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, वह अपनी इच्छा से मर नहीं सकता। जो भी कर्म किए हैं उन्हें भोगना ही होगा। किसी ने बहुत सही कहा है, अगर जीवन के अंत से पहले ही हमारी आंखें खुल जाएं तो जीवन में सुधार हो सकता है। मित्रों, अगर हम कोई कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और यदि हम पूरी मेहनत से काम करेंगे तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। मेहनत ही सफलता का असली मार्ग है, इसके कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें ईमानदारी से मेहनत करनी ही होगी। अगर कभी हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी रह गई थी। पुराणों में कहा गया है कि जीवन में जो भी संबंध हमें मिलते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चे, ये सभी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। इस जन्म में जो रिश्ते हमें मिलते हैं वे उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिनसे हमारे पिछले जन्मों में कोई न कोई संबंध था। भगवान हमें धरती पर भेजते हैं ताकि हम अपने अधूरे हिसाब किताब को पूरा कर सकें। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह और उसकी पत्नी बहुत ही नेक और धार्मिक विचारों वाले इंसान थे। उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार और समाज की भलाई करना था। उनके घर में एक बेटी थी जो जन्म से ही अपाहिज थी। रघु और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के इलाज के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। बेटी की इस हालत को देखकर वे दोनों हमेशा चिंता में रहते थे। रघु की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसकी बेटी का भविष्य क्या होगा, वह कैसे अपना जीवन जी पाएगी जब वे दोनों नहीं रहेंगे। यह सवाल उसे अंदर से कचोटता रहता था। उसकी बेटी के प्रति प्रेम और चिंता ने उसे अक्सर रातों की नींद उड़ा दी थी। वह और उसकी पत्नी बेटी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। वे उसके पैरों की रोजाना मालिश करते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। गांव के पास एक और गांव था जहां एक प्रसिद्ध संत महात्मा का आश्रम था। रघु और उसकी पत्नी नियमित रूप से वहां जाते थे, संत महात्मा की सेवा करते थे और उनके प्रवचन सुनते थे। संत महात्मा के उपदेशों से उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलती थी, लेकिन उनकी बेटी की समस्या अब भी उनके दिल पर बोझ बनी हुई थी। एक दिन जब संत महात्मा का प्रवचन समाप्त हुआ, रघु ने हिम्मत जुटाकर उनसे एक सवाल पूछा। उसने कहा, महात्मा जी, मैं और मेरा परिवार सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं। हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते और सेवा भाव से जीवन जीते हैं। फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई? उसे इस हालत में देखकर हमें बहुत दुख होता है। हमने क्या गलत किया है? महात्मा जी ने रघु की बातों को गहराई से सुना। वे थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने कहा, रघु, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म को देख चुका हूं। इस जन्म में जो भी तुम भुगत रहे हो वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। रघु चकित हो गया और उसने पूछा, महात्मा जी,
कृपया विस्तार से बताएं। महात्मा जी ने कहा, पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यक्ति थे। तुम्हारे परिवार में तुम्हारी पत्नी, बेटा, बहू और एक दुधारू गाय थी। तुम अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत कठोर था। वह हमेशा तुम्हारी गालियों और तानों का शिकार होती थी। वह सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी, जो कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन तुम्हारी बहू अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। जब वह वापस लौटी तो गुस्से में तुम्हारा आपा खो गया और तुमने एक डंडा उसकी तरफ फेंका। डंडा उसके पैर पर लगा, जिससे उसकी हड्डी टूट गई और वह पूरे जीवन के लिए अपाहिज हो गई। तुम्हारे इस कर्म के कारण वह पिछले जन्म में बहुत दुखी रही, लेकिन उसने फिर भी कभी किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। महात्मा जी ने आगे कहा, तुम्हारी वही बहू इस जन्म में तुम्हारी बेटी के रूप में पैदा हुई है। यह कर्मों का चक्र है जो कभी रुकता नहीं। जिस प्रकार तुमने उसे पिछले जन्म में रुलाया, अब वह इस जन्म में तुम्हें रुला रही है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण, जैसे गाय की सेवा, तुम्हें इस जन्म में एक नेक और सच्चा मन मिला है, लेकिन तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ा। यही कारण है कि तुम्हारी बेटी अपाहिज पैदा हुई। महात्मा जी की बातें सुनकर रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझा कि जीवन में जो भी कठिनाई आती है, वह हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होती है। उसने संत महात्मा से क्षमा मांगी और प्रण किया कि अब से वह और अधिक ध्यानपूर्वक जीवन जिएगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा और सच्चे मन से अच्छे कर्म करेगा। रघु ने अपनी बेटी के साथ और भी अधिक प्रेम से व्यवहार करना शुरू किया। उसने उसे और भी अच्छे से समझना और उसका ख्याल रखना शुरू किया। अब वह जानता था कि उसकी बेटी के प्रति उसका कर्तव्य न केवल इस जन्म का बल्कि पिछले जन्म का भी हिसाब है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। इसलिए हमें अपने हर कर्म को सोच समझकर, सच्चे मन से और बिना किसी बुरे विचार के करना चाहिए, ताकि हमें और हमारे अपनों को भविष्य में दुख का सामना न करना पड़े। कर्मों का चक्र कभी रुकता नहीं, लेकिन इसे सही दिशा में मोड़ने का प्रयास हमें ही करना होता है। कर्म का फल हर क्षण हमारे जीवन में प्रकट होता रहता है, क्योंकि हर सांस के साथ जो घटनाएं हमारे साथ घटित होती हैं, वे हमारे कर्मों का ही परिणाम होती हैं। हम सांस ले पा रहे हैं, यह भी हमारे कर्मों का फल है, और किसी की सांस खत्म हो जाती है, वह भी कर्मों का ही परिणाम है। कर्म हमारी काया के समान है और उसका फल हमारी परछाई की तरह, जो हमेशा हमारे साथ रहती है। कोई व्यक्ति आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमे की तकलीफ में घुटता है, यह भी उसके कर्मों का ही फल है। कर्म का फल हमें हर समय जागते, सोते, उठते, बैठते भोगना पड़ता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जबकि कुछ कर्मों का फल हमें जन्मों जन्म तक इंतजार करने के बाद मिलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आग में हाथ डालता है तो वह तुरंत जल जाएगा, इसमें कोई विलंब नहीं होगा। इस प्रकार के कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह ईश्वर के अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुप कर मारा था और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्री कृष्ण के अवतार में उसी बाली के हाथों मरना पड़ा, जो इस बार एक शिकारी के रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की सहायता की है, तो ईश्वर वह सहायता कई गुना बढ़ाकर किसी न किसी माध्यम से आपको लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है ना बुरा कर्म, यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों का भी फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। अगर आपने किसी का उधार लिया हुआ पैसा नहीं लौटाया है, तो हो सकता है कि किसी जन्म में आपको उस व्यक्ति के नौकर
या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा करनी पड़े, परंतु हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। यदि आपने किसी का भला चाहा है तो वह भला कब आपकी किस्मत से कांटे हटाकर आपको राहत देगा यह आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए सेवा, दान और परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटने का काम करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। जब हम कर्म के सिद्धांत को समझेंगे तभी हम इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है और बुरे कर्म का फल अच्छे कर्म से निरस्त नहीं होता। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों का, जबकि कुछ कर्मों का फल संचित हो जाता है और वह फल हमें इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलता है। वर्तमान में किए जा रहे कर्मों को क्रियमान कर्म कहा जाता है और जिनका फल तुरंत नहीं मिलता वे संचित कर्म कहलाते हैं। ये संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव अपने बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में एक बड़ा अंतर यह है कि अन्य योनियों में कर्म भोगे जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में भोगे गए प्रारब्ध कर्म नए कर्म उत्पन्न करते हैं। वास्तव में मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म क्रियमान कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर निर्भर करता है। जब जीव के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म फल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं पड़ता। इसका अर्थ है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात न संचित होंगे और ना ही नया प्रारब्ध बनेगा। निष्काम कर्म का मतलब है स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना, परंतु उनके फल की इच्छा ना रखना। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डूबा नहीं सकता, काट नहीं सकता, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए जीवन की परीक्षा में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़कर आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 84 लाख योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश के मौके मिलते हैं। तामसिक गुण वे हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, और राजसिक गुण वे हैं जो हमें लोभी बनाकर दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वे हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ते हैं और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाकर ही मुक्ति मिलती है। यही वे द्वार हैं जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है,
और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। यही सब धर्म है और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी, इस जिंदगी में भोगने वाली चीजों और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर हर बुनियादी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवद गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं होती हैं, जो हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवद गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। यह द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफी मांगकर मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वह अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्म के लिए नरक चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती तब तक वह मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से और दूसरों के कल्याण के लिए हों। वाल्मीकि ने रामायण लिखकर, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा सकता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग स्थापित कर सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के माध्यम से परमात्मा के साथ संधि कर पाए। भगवद गीता में परमात्मा कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म या योग की समझ ना भी आए
पर वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को दिल की गहराइयों से पुकार कर पाने को भक्ति योग कहते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही होता है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही उनके परिणाम या फल भी होंगे। कर्मों का गणित सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समस्याओं का समाधान ढूंढने में करना। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष का रास्ता पाकर भी उस पर जाने की चेष्टा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद शांति प्राप्त कर पाता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति, जो राक्षसी प्रवृत्तियों के होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वे मेरी पूजा करने या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछाला जाता है और वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनके सामने सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने वही होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो राह पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीदें। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और पूरी हो जाती है तो लोभ होता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु पौधे को काट नहीं सकती। हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी लोग खुश हो जाते हैं कि आपके पास यह समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना तो कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान हालात देखकर रंग बदलता है।
दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास न हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए अच्छा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, इसलिए अपने अंदर करुणा रखें, आवेश नहीं। क्योंकि पुष्प मेघ की वर्षा से खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी गलत लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको अजीब न लगे। खुद में स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से ज्यादा कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो मनुष्य दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लीजिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्या को हल करने का एक तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारना दोस्तों, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा उनको भी करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को अपना लेता है उसे हाथ से माला फेरने की जरूरत ही नहीं है,
वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अनाज का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए, जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर त्याग देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बड़ी इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और समय के साथ संसार में हर चीज बदलती है, हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। न तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार तो नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है? धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। बोलने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस त्यागनी होती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। दरिया बनाकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। मित्रों, बोलने से पहले सोच लो,
क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे सफल होना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उस जगह पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावना को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ। जिंदगी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ में साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। जितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो मनुष्य भगवद गीता को सुनकर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है
वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान में आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में मान और अपमान में शांति रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं। मैं अमृत भी हूं और मृत्यु भी। मेरे लिए न कोई घृणित है और न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बात ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो।
जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। असली महान आदमी वह होता है जिससे मिल